महाराष्ट्र में चुनाव से पहले अठावले ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किलें। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बीजेपी को कौन सी धमकी दी है? आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सियासी दलों के बीच सीटों को लेकर मोल भाव भी शुरू हो गया। एक और जहां बीजेपी और शिवसेना के बीच सीटों को लेकर मामला अब तक सुलझा नहीं है, इस बीच रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी RPI के चीफ और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सीटों को लेकर अपनी डिमांड से बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। दरअसल बीजेपी की ओर से शिवसेना को 110 सीटों का प्रस्ताव दिए जाने की खबर सामने आने के बाद रामदास अठावले भी सक्रिय हो गए हैं। बीजेपी शिवसेना सीटों को लेकर मची खींचतान के बीच अठावले ने भी अपनी डिमांड रख दी है। अठावले ने बीजेपी शिवसेना के बीच सीट बंटवारे की खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी और शिवसेना ने अपने सहयोगियों को 18 सीटें देने का फैसला किया है, ऐसे में 18 में से 10 सीटें हमें चाहिए। इस दौरान अठावले ने ये भी कहा कि वो अपने पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, हम बीजेपी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। अठावले के इस बयान के बाद अब सूबे में सीट बंटवारे को लेकर NDA के लिए मुश्किलें थोड़ी और बढ़ती दिख रही हैं। इससे पहले विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी और शिवसेना में पहले चरण की बैठक हुई थी। खबरों की माने तो इस बैठक के दौरान बीजेपी ने 160 सीटें मांगी, जबकि शिवसेना के लिए 110 सीटों का प्रस्ताव रखा है, जो शिवसेना को रास नहीं आ रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के इस नए फॉर्मूले से शिवसेना खासा नाराज है। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि वो सूबे की कुल 288 में से 135 से ज्यादा विधानसभा सीटों की मांग रख सकती है। कुछ क्षेत्रीय पार्टियों को शामिल करते हुए बड़ा गठबंधन बनाने के लिए बीजेपी शिवसेना दोनों को 135-135 सीटों पर सहमत होना पड़ेगा, जिससे बाकी 18 सीटें छोटे सहयोगियों के बीच बांटी जा सके। लेकिन पिछले कुछ समय से बीजेपी में शामिल हुए सिटिंग विधायक और टिकट के दावेदारों की बढ़ती संख्या से बीजेपी के लिए 135 सीटों के कोटे पर टिके रहना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अठावले के इस डिमांड ने बीजेपी की मुश्किलों में और इजाफा ही कर दिया है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।